फ्रेंड्स प्रीवियस कुछ लेसनस के अंदर हम लोगों ने पेन टूल के हवाले से बहुत डिटेल में कई चीज़ें जो हैं वो स्टडी की हैं और उनकी प्रैक्टिस भी की है अब मैं आपको इलस्ट्रेटर के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ अब हम इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे ग्रेडियंट्स के हवाले से दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इलस्ट्रेटर की तरफ ले कर चलूँ मैं पहले आपको ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट्स होते क्या हैं एक्चुअली Uh, जब मल्टीपल कलर्स दो या दो से ज़्यादा कलर्स आपस में मिलते हैं और वो कंबाइन होके ब्लेंड होके uh, कोई एक नया कलर बनाते हैं तो बेसिकली ग्रेडियंट्स प्रोड्यूस होते हैं uh, कोई भी कलर्स जब आपस में मिक्स होंगे तो उनके मिक्सचर से ही ग्रेडियंट्स बनेंगे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप कुछ ग्रेडियंट्स जो हैं ये देख सकते हैं uh, जैसे कि ये कुछ शेप्स हैं और इन शेप्स के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स के ग्रेडियंट्स जो हैं ये नज़र आ रहे हैं दोस्तों ये जो ग्रेडियंट वाली ऑप्शन है ये जब हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है और हमारे डिज़ाइंस की जो फेस वैल्यू है उसको अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है आ, तो चलें चलते हैं रिलस्ट्रेटर की तरफ और स्टडी करते हैं आ, देखते हैं कि ग्रेडियंट्स को हम किस तरह से रिलस्ट्रेटर में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात गाइड करता चलूँ कि एलेस्ट्रेटर में हमारे पास दो किस्म के ग्रेडियंट्स होते हैं एक होता है लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है रेडियल ग्रेडियंट तो चलें देखते हैं कि लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं यहां पे मैंने विंडो पैनल में से कुछ मैन्यूज जो हैं कुछ पैनल्स जो हैं यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं जिसमें यहाँ पे कलर मैन्यू है ग्रेडियंट मैन्यू है और स्वेचेस की ऑप्शन मैंने ओपन कर रखी है ये कलर स्वेचेज और ग्रेडियंट मैंने इसलिए ओपन किए हैं क्योंकि कलर और स्वेचिस से ग्रेडियंट का बहुत ही गहरा ताल्लुक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी जब भी ग्रेडियंट्स बनाने लगें या अप्लाई करने लगें स्वेटर में तो आप लाजमी तौर पर कलर और स्वैचेस की जो ऑप्शन हैं इनको भी अपने सामने ओपन करके रखें अच्छा जी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ फ़िलहाल इसका फिल जो है वह मैं नन कर रहा हूँ और मैंने इसकी स्ट्रोक के ऊपर जो है वो एक ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई किया हुआ है अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हम फिल और स्ट्रोक को किस तरह से डील करते हैं अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे आके स्वेचेज़ में किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो कलर यहाँ पे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में जो है वो फिलन हो जाएगा अच्छा जी इसी तरह से एक और तरीका ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ से किसी भी कलर को चूज़ करूँ और यहाँ पर ला ड्रैग ड्रा करूँ इस शेप में तो ये मेरी रेक्टेंगुलर शेप में वो कलर जो है वो फिल हो जाएगा अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया दोबारा फ़िल के हवाले से इस वक्त मैं दोबारा फिल जो है इसको नन कर रहा हूँ और आउटलाइन मैंने ब्लैक रखी हुई है अब हम चलते हैं जी ग्रेडियंट की तरफ दूसरे जो स्वैचेस पैनल के बारे में मैंने आपको बताया है इसमें आप अगर गौर करें तो यहाँ पे कुछ आपके पास पड़े हुए फ्लैट कलर्स और कुछ नीचे ग्रेडियंट्स भी अवेलेबल हैं लेकिन इनको हम बेसिकली यहाँ से ग्रेडियंट पैनल से स्टडी करते हैं अच्छा जी ग्रेडियंट पे यहाँ पे आप अगर क्लिक करें तो आपके पास कुछ तीन चार ऑप्शंस पहले से बनी हुई हैं जिसमें सबसे ऊपर आपके पास ब्लैक एंड वाइट है दोस्तों ब्लैक एंड वाइट का जो ग्रेडियंट है ये बिल्कुल बेसिक ग्रेडियंट है स्टैंडर्ड ग्रेडियंट हम इसको मानते हैं क्योंकि ब्लैक और वाइट जो है वो कलर व्हील के अंदर हमारे पास बिल्कुल दो एंड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो लिहाजा हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो ब्लैक और वाइट का जो ब्लैंड है ग्रेडियंट है वो हमें नज़र आ रहा है अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने ग्रेडियंट अप्लाई कैसे करना है दोस्तों सबसे पहले आपने शेप को सिलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट पे आके आपने क्लिक करना है आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और ये नीचे जो आपको एक स्लाइड बार दिख रही है जिसके ऊपर ब्लैक से वाइट की तरफ शेड्स आपको नजर आ रहे हैं ये यह यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं दोनों सूरतों में ये ग्रेडियंट आपकी शेप के अंदर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं ये जो ग्रेडियंट पैनल के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं इनकी लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा ब्लैक एंड वाइट को मैं चेंज करूंगा कलर में दोस्तों यहां से मैं ग्रीन को चूज़ कर रहा हूं और ये हमारे पास एक यहां पे एक स्लाइडर अवेलेबल है इस स्लाइडर के अंदर जाके मैंने ग्रीन कलर को फेंक दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरा राइट right साइड पे रेक्टेंगल में ग्रीन कलर हो गया इसी तरह से मैं येलो को पिक करता हूँ और यहाँ पर ला लेफ़्ट स्लाइडर के अंदर छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि येलो कलर मेरे ये जो मेरा रेक्टेंगुलर शेप है इसमें लेफ़्ट साइड पर आ गया अब ये बन गया जी हमारा ग्रेडियंट आप देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट पे ग्रीन है और लेफ्ट पे येलो है अच्छा जी आप जरा देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों ये स्लाइड बार हमारे पास अवेलेबल है इसमें ये तीन स्लाइडर्स हैं इनको जरा देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं जैसा कि मैंने आपको कलर इनमें अप्लाई करके दिखा दिया है अगर ये येलो वाले स्लाइडर को मैं ग्रीन की तरफ लेके जाता हूँ मूव करता हूँ तो आप ये देखें येलो कलर की क्वांटिटी मेरे ग्रेडियंट में बढ़ गई है और ग्रीन की कम हो गई है मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ अंडू करके मैं अब ग्रीन वाले स्लाइडर को येलो की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे ग्रीन कलर की क्वांटिटी मेरे ग्रेडियंट में बढ़ गई है येलो की कम हो गई है दोबारा मैं इसको अंडू कर रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि इन स्लाइडर्स का मकसद ये है कि आप इस स्लाइडर को दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस स्लाइडर में जो कलर मौजूद है वो बढ़ जाएगा सेम गोल्स फॉर द अदर वन अच्छा ये ऊपर भी एक स्लाइडर छोटा सा पड़ा हुआ है इसको भी देख लेते हैं ये क्या करता है दोस्तों अगर इस स्लाइडर को हम दोनों तरफ घुमा के देखें तो हमें पता ये चलता है कि ये हमारे कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड करता है जितना दूसरी तरफ हम इसको लेके जाएंगे हमारा कलर जो पहले वाला है वो उतना ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा और ये आप एक और चीज़ गौर करें कि ये जो स्प्रेड हो रहा है ये बहुत ही बहुत ही डिसेंट वे में बड़ा एक जो इवनली स्प्रेड हो रहा है हमारा कलर अच्छा यही जो स्प्रेड आउट है इसकी लोकेशन हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि ये ट्वेंटी परसेंट एटी परसेंट हंड्रेड परसेंट ये देखें हम यहाँ से आके इसको चेंज कर सकते हैं तो दोनों ऑप्शन हैं स्लाइडर को बेशक यहाँ से मूव कर लें बेशक यहाँ नीचे से इसको मैं लेके आता हूँ जी फिफ्टी परसेंट जो कि मेरा सेंटर है अच्छा यहाँ पर अब आप मैं आपको एक दो और बातें बताता चलूँ एक तो ये कि ये मेरे पास दो कलर्स हैं एक बात आपने याद रखनी है किसी भी ग्रेडियंट में दो कलर्स मिनिमम लाजमी होने चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो तो लाजमी हैं ज़रूरी हैं अब मैं यहाँ पे आके इस स्लाइड बार के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देखें एक नई यहाँ पे मेरे पास स्लाइडर आ गई है इस स्लाइडर के अंदर मैं यहाँ से एक नया कलर ला के रखता हूँ जी ये ब्लू कलर मैंने यहाँ पे ला के रखा और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले जाता हूँ अब ये मेरे पास ऊपर वाले स्लाइडर्स भी दो आ गए हैं क्योंकि मेरे कलर्स में उनकी तादाद बढ़ गई है तो इनको भी मैं थोड़ा सा समअप कर लेता हूँ ये देखें कितना खूबसूरत हमारे पास ग्रेडियंट बन गया तीन कलर्स का ग्रीन का ब्लू का और येलो का अच्छा मैं आपको एक टिप यहाँ पर यह देता चलूँ ग्रेडियंट के हवाले से दोस्तों कोशिश करें अपने डिज़ाइंस के अंदर जब ग्रेडियंट अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कलर्स उसमें ऐड ना करें उसको क्लटर ना करें दो या तीन जो कलर्स होते हैं ग्रेडियंट के लिए इनफ होते हैं अच्छा जी अगर इस ये जो मैंने एक नया अभी यहाँ पे लगाया है ब्लू वाला स्लाइडर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ यानी मैं वापस इस अपने इस ग्रेडियंट को दो कलर्स का बनाना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ कैसे इस स्लाइडर को सिलेक्ट किया और डिलीट के बटन पे आके क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि वो स्लाइडर भी चला गया और उस स्लाइडर में जो कलर मौजूद था वो भी चला गया अच्छा दोस्तों ये जो अभी तक हमने ग्रेडियंट देखा है ये लीनियर ग्रेडियंट था अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ रेडियल ग्रेडियंट के लिए उसके लिए मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ जी एलिप्स देखें जी ये इलिप्स मैंने सर्कल एक ड्रॉ किया और इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी अवेलेबल है लीनियर लीनियर का मतलब ये है कि ये एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करता है मैं अब अगर यहाँ पर आके लीनियर की जगह रेडियल को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो मेरा जो ग्रेडियंट है आप देख सकते हैं सेंटर से बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होगा ये सर्कुलर शेप के अंदर मेरे पास आएगा ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो रेडियल ग्रेडियंट आ गया सेम वही प्रॉपर्टीज और वही ऑप्शन जो हमारे पास पिछले ग्रेडियंट में थी लीनियर में वही यहाँ पे हमारे पास रेडियल में भी मौजूद हैं वो सारे स्लाइडर्स उसी तरह से काम करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो वही सारी की सारी ऑप्शन जो हैं वो वर्कआउट कर रही हैं एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको पहले लेके जाऊंगा जी ग्रेडियन टूल की तरफ इसको मैं हंड्रेड परसेंट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट टूल भी अवेलेबल है अगर मैं अपने पहले वाले रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट करूँ और ग्रेडियन टूल को सिलेक्ट करूँ इसकी शॉर्ट की जो है ये यह आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ये देखें एक वही वाली स्लाइड बार जो यहाँ पे अवेलेबल थी मुझे मेरी शेप के ऊपर मिल गई है और सेम स्लाइडर्स जो वहाँ पे मुझे अवेलेबल थे वो यहाँ पे भी अवेलेबल है लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ वो ये कि अगर इस स्लाइड बार को मैं बाहर की तरफ स्ट्रेच करूँ तो मेरा जो ग्रेडियंट है वो शेप से बाहर निकल रहा है जितना बाहर मैं लेके जाना चाहूँ मैं इसको लेके आ सकता हूँ और अगर मैं इसको वापस लाऊँ यहाँ पर अंदर की तरफ तो ये अब मेरे कलर्स पूरे पूरे मुझे एजेस के ऊपर मिल रहे हैं इसके अलावा एक और ऑप्शन के हम एंगल चेंज कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आएँ तो ये आप देखें एंगल चेंज करने के ऑप्शन आपके पास मौजूद है ये देखें ये इसका मैं एंगल यहाँ से अपने ग्रेडियंट का जो है वो फ्री हैंड तरीके से चेंज कर सकता हूँ इसी तरह से सेम ऑप्शन मेरे पास रेडियल में है अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल में आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास वही एक स्लाइड बार आ रही है इसमें एक ऑप्शन ये है कि हम ये देखें एक तो इसकी हम प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं ये देखें मेरा पहले सेंटर में था अब मैंने अपने ग्रेडियंट को थोड़ा सा जो है वो ऑफ सेंटर कर दिया है ऊपर ला के रख दिया इसके अलावा जनाब हम इसको जो है छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं ये देखें इसके अलावा हम इसकी शेप ओवल में लेके जा सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट के हवाले से भी कुछ ऑप्शन ज़्यादा मौजूद हैं तो दोनों तरह से बेसिकली ग्रेडियंट अप्लाई किया जा सकता है दोनों तरीके से ठीक है बेसिकली आपको ग्रेडियंट जो है वो बनाना आना चाहिए अच्छा एक आखिरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम यहाँ पे स्वैचेज में आए और ये जो ग्रेडियंट हमने बनाया हुआ है इसको यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये देखें ये हमारा ग्रेडियंट हमारे स्वैचेज में आ जाता है ये जो लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे सेव स्वैचेज में जाएं तो ये देखें हम अपने सिस्टम के अंदर अपनी विंडो में इस स्वैच को जो अभी हमने हमने ग्रेडियंट बनाया इसको एज अ स्वैच सेव कर सकते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ग्रीन एंड येलो ग्रेडियंट जी आर ए डी तो ये देखें इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा अब ये जो ग्रेडियंट मैंने बनाया था ये हमेशा के लिए मेरी विंडो में सेव हो गया मैं जब भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा ये ग्रेडियंट टूल में मैं जाऊंगा ये ग्रेडियंट मेरे पास महफूज रहेगा दोस्तों इस लेसन में हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर ग्रेडियंट टूल के बारे में स्टडी किया एलिस्ट्रेटर के अंदर हमने देखा कि हम ग्रेडियंट्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से उनकी मदद से किसी भी शेप को जो है वो फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वाज़ करता चलूँ डिज़ाइन के अंदर जिस भी जगह पे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म को वाजे करना हो वहाँ पे ग्रेडियंट का आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा इसके अलावा ग्रेडियंट जो है वो लेआउट डिज़ाइन करते हुए और इलस्ट्रेशन करते हुए बहुत सारे मकाम पर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ग्रेडियंट वाला जो लेसन है ये पसंद आया होगा और इसकी समझ भी आ गई होगी अब आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में किसी इलस्ट्रेटर के नए टूल के साथ